आज आपके लिए मैंने एक एसएस का आसुस का लैपटॉप है जिसमें नो पावर की प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बटन क्लिक कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा है। आप अडैप्टर भी लगा के देखेंगे तो बैटरी चार्ज हो रहा है लेकिन लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। देखें आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स ये बहुत नॉर्मल है। आइए ऊपर से इसको खोल लेंगे सारे। तो आपको देख लेना चाहिए कहीं से जहाँ से कि आप इसको निकाल सकें इस तरह से। अगर आपके पास ओपनर है तो आप उससे भी खोल सकते हैं। चारों तरफ से आपको बैठा होता है इसको आपको बड़े सावधानी से खोल लेना चाहिए, ऐसा खोलें लॉक ना टूटे। यहाँ पे पीछे लॉक होते हैं तो यहाँ पे भी खोलने के बाद देखें इस तरह का बोर्ड होता है कंप्लीट बोर्ड। यहाँ से सबसे पहले आप हार्ड डिस्क निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड से बैटरी है, इसका बैकअप बहुत ही अच्छा होता है, इसे भी आप निकाल लेंगे। बैटरी का लॉक है जिसको आप ऊपर की तरफ हल्का सा मूव करेंगे। आपका बाहर आ जाएगा। जितने भी कनेक्टर्स हैं उन्हें आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद बैटरी चारों तरफ एक बार देख लेंगे नट लगा हुआ है। फ्रेंड्स वाईफाई कार्ड है इसे आराम से आप इजीली निकाल लेंगे। बोर्ड है इसे दो हिस्सों में है तो एक यहाँ से आपका आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं। इसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर है इसे आप थोड़ा लॉक है इसे आप प्रॉपरली इधर से निकाल लेंगे। ये सब चीज़ निकालते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे, कई बार लोग वायर पकड़ के खींच लेता है जिससे कनेक्टर टूट जाते हैं जैसा कि इसमें भी। इसके बाद बोर्ड आप आसानी से
थोड़ा सा प्रयास करें, देखें एक बार कि और कहीं पे बोर्ड पे कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। जब बोर्ड पे कुछ लगा हुआ नहीं रहे तो से आपका कंप्लीट मदरबोर्ड है, जिसमें कुछ छोटा सा पार्ट्स लगाने के लिए धर दे दिया है आपका, जहाँ से कि आप हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हैं। इसके बाद अब इस तरह का जब बोर्ड आपके पास आया तो इसमें भी आप सेम बोर्ड की तरह 3.3 और 5 वोल्टेज की सप्लाई आप देखेंगे, चेक करेंगे। जब वो सप्लाई अगर आपको बंद के आ रही हो तो पावर आईसी आपका ख़राब हो सकता है, इसे चेक करना होगा, पहले उसे साफ करके देखना होता है। अब इस सप्लाई में आपको देखने की आवश्यकता होगी कि आपका 3.3 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ सप्लाई को थोड़ा लॉक कर लेंगे। इसके बाद एडाप्टर लगाएंगे, वोल्टेज बन रहा है, मल्टीमीटर में आपका 5 वोल्टेज बन रहा है। दूसरी तरफ 3.3 वोल्टेज, इस वोल्टेज को ऑन करने के लिए आपको ये वोल्टेज नहीं बन रही है। इस कॉइल पे देखें, नहीं बन रही है, इधर भी कॉइल पे नहीं बन रही है, इधर भी कॉइल पे नहीं बन रही है। यहाँ पे एक कॉइल बना हुआ है, एक कॉइल इधर लगा हुआ है, तो ऐसी सारी जगहों पे वोल्टेज नहीं बन रही है। तो ये वोल्टेज नहीं बनने का एक रीज़न है कि आपका पावर आईसी कहीं ना कहीं इफेक्टिव है। हम लोग उस पावर आईसी की प्रॉब्लम हो सकती है, इसे एक बार साफ करके देख लेते हैं। थोड़ा इसे कूलिंग से साफ करें। इस तरह से